फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जो है प्रकाश संश्लेषण को डिस्कस करना है डिटेल में, जो आज इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि ये क्रिया पौधों में होती है जो अपने भोजन निर्माण के लिए होती है। पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं और भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। पहली बात तो हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री होती है वो कौन सी होती है। एक तो होता है CO2 होती है और जल है, दूसरी चीज होता है क्लोरोफिल और इसके बाद आता है सनलाइट। तो CO2 जो होता है ये वायुमंडल से प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे। दूसरा H2O जो होता है ये मृदा से अवशोषित करेंगे, जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला जो होता है क्लोरोफिल, ये पौधों के हरे भागों में उपस्थित होता है। और थर्ड जो है ये फोर्थ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इसका एक सोर्स होता है, मात्र एक ही सोर्स है जो सब सूर्य से में प्राप्त होती है। तो पौधे भी जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल है, H2O है और ये CO2 इसके साथ साथ मिला करके जो क्या करते हैं अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसे हम रॉ मटेरियल के रूप में ये यूज करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ, कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आइए हम देखते हैं उसकी रिएक्शन को। तो आइए हम प्रकाश संश्लेषण को डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन जो होती है, पहली बात तो इसकी जो परिभाषा होगी क्या होगी, परिभाषा पौधे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं कि कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसे कहते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या होगा इसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 एक ग्लूकोज बनेगा और उसके साथ साथ 6H2O प्लस 6O2 ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो पौधे ग्रहण करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे वायुमंडल से और जल को ग्रहण करेंगे मृदा से, भूमि से बाय रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने का कार्य करती है। इसमें क्या करेंगे हम कि ये जो है इसे हम कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। ये इसे हम कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन या कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम। और ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा होगा सेकेंड स्टेप अप्रकाशिक अभिक्रिया। जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये देखते हैं इसमें ये हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। ये प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, इसलिए इसको हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हिल।
इनके नाम के आधार पर इसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इनके नाम के आधार पर इसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये हरित लवक के ग्रेना में होती है, हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। दूसरी जो होती है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम डार्क रिएक्शन या फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये क्या है? देखिए, जैसे लाइट रिएक्शन था कि वो जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट ये डार्क रिएक्शन है तो ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति का होना कोई आवश्यक नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। और ये अभिक्रिया जो होती है ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। स्ट्रोमा जो होगा ये इसका क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स होता है, तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के अबाउट इसका अध्ययन जो है सबसे पहले किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन, अब ब्लैकमैन रिएक्शन या ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो इसको एक बार अगर दोबारा रिपीट करें तो क्या होता है कि लाइट रिएक्शन जो होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। हरित लवक के ग्रेना भाग में, ग्रेना क्या होता है? ग्रेना या ग्रेनम आपने पढ़ा होगा, जो हरित लवक के अंदर हेलिकॉइड्स का एक ढेर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरी संरचना जो होगी वो ग्रेनम कहलाती है, और इसकी एक इकाई को हम थैलिकॉइड कहते हैं। थैलिकॉइड्स जो है ये सिक्के के ढेर जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेनम कहते हैं। और इसी ग्रेनम भाग में, हरित लवक के ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर होता है, ये ग्रेनम थैलिकॉइड्स के मध्य में होता है, थैलिकॉइड्स के मध्य में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, वो एक अंडाकार संरचना होती है, आपने पढ़ा होगा लाइफ में लगभग की जो है वो अंडाकार संरचना होती है इस टाइप से, और ये ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उसको पहले से, तो इस टाइप से। और फिर इसमें जो है ये ग्रेनम पाए जाते हैं इस टाइप से, ग्रेनम की प्रेजेंस होगी ये, और इसमें जो मैट्रिक्स होता है ये मैट्रिक्स होगा, ये स्ट्रोमा कहलाता है। तो जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो ग्रेनम होता है ग्रेनम में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर अब ग्रेनम में थैलिकॉइड्स के बीच में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये पूरी संरचना, होल संरचना, होल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, और ये जो बीच में संरचना पाई जाती है ये पाया जाता है, ये पदार्थ होगा हरे रंग का, एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या बर्ड हरे, ठीक है। तो फिर इन दोनों को, और अगला जो है जैसे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो होती है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी, दूसरा साथ साथ की ये प्रकाश ये जो है हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, हरित लवक का जो ये मैट्रिक्स भाग है इसमें ये संपन्न होती है। और इसका अध्ययन सबसे पहले किया था एक ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इनके नाम के आधार पर ही इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। और जैसे ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसे इसका अध्ययन किया था सर्वप्रथम एक रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे हिल रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया की
क्रिया विधि ये कैसी होती है, मतलब प्रकाशी की क्रिया किस तरह से संपन्न होती है, तो इसके कितने चरण होते हैं, इसमें कितने स्टेप में संपन्न होती है। तो इसके स्टेप्स जो होते हैं, जैसे पहला स्टेप जो होता है उसमें क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अवशोषित करके जो प्रणहरिम होता है वो सक्रिय हो जाता है। प्रणहरिम जो होगा वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है और उससे एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रणहरिम जो होता है वो सक्रिय हो जाता है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होगा उसमें कि ऊर्जान्वित या एनर्जिस्ट जो प्रणहरिम है या ऊर्जान्वित हम कह लें कि क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है कि उसकी प्रेजेंस में जल का प्रकाश अपघटन होता है। ऊर्जान्वित क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल का प्रकाश अपघटन होता है, मीन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा, जल का प्रकाश अपघटन होगा और जल जो होगा एच प्लस तथा ओ एच माइनस आयनों में टूट जाता है, ऐसे फोर एस टू ओ गिव्स आउट फोर एच प्लस प्लस फोर ओ एच माइनस, ठीक है। जल जो होगा वो एच प्लस तथा ओ एच माइनस आयनों में टूट जाता है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो उपस्थित इसमें जो है ब्रेक होने के बाद जो इधर प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं हमको जो है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन ये कंडेंस होकर के ये संघनित होकर के जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे 4 OH माइनस आयन ये जो होंगे ये कंडेंस हो जाएंगे या हम कहते हैं कि संघनन होता है इनका, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन जब होगा तो इसमें 2S2O प्लस O2 ये बनता है। इस पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है। जैसे अभी रिएक्शन जो लिखी गई थी कि इसमें जो है 6CO2 प्लस जो है H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन उसमें भी निकल रही थी। तो जो निकलने वाली ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो होता है वो जल होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन निकल रही तो इसका प्रमुख स्रोत जो होगा ये जल होता है। जल कैसे, क्योंकि यहाँ पर जल का प्रकाश अपघटन होता है और जल ही ब्रेक होता है एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में। फिर दूसरी बात, यहाँ पर क्या होगा दूसरे स्टेप में ओ एच माइनस आयन जो होते हैं ये आपस में कंडेंस होकर के ही जल और ऑक्सीजन बनाते हैं, इसलिए जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, जल होता है। तो जल इस निकलने वाली ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत है, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। खैर नेक्स्ट उसमें क्या होगा, फोर्थ स्टेप में, इसमें थर्ड स्टेप में ये हुआ है कि जो है OH माइनस आयन जल के प्रकाश अपघटन में उत्पन्न OH माइनस आयन जल के प्रकाश अपघटन में उत्पन्न OH माइनस आयन ये आपस में कंडेंस होकर के जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगले फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि इसमें हम लिख लेंगे, जो थ्योरी लिखनी है हमको ये होगी कि जल के प्रकाश अपघटन में उत्पन्न H प्लस आयन, इनका तो यूज हो गया है यहाँ पे जल और ऑक्सीजन बना, अब इसमें H प्लस आयन जो है इनका क्या काम है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि जल के प्रकाश अपघटन में उत्पन्न H प्लस आयन आपस ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन ग्राही NADP को, हाइड्रोजन ग्राही NADP को NADPH2 में अपचयित कर देते हैं, रिड्यूस कर देंगे, NADP को NADPH2 में अपचयित कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका क्या काम होता है कि H प्लस आयन जो होंगे ये हाइड्रोजन ग्राही NADP को NADPH2 के रूप में अपचयित कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है इसमें, फिर ATP प्लस यहाँ पे IP का मतलब इसमें क्या है कि ये जो I है इसका मतलब होता है खाली इनऑर्गेनिक, ठीक है। ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन के एक अणु के साथ जो है फॉस्फेट के दो अणु जब जुड़ते हैं तो ADP का निर्माण होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट और जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा जाकर के
एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, और एडीपी से एटीपी के निर्माण की जो क्रिया होती है इसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। एडीपी से एटीपी के निर्माण की क्रिया जो होती है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। ठीक है भाई, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इसके, देखिए जो है चार चरण होंगे। पहले चरण में ये होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो है ये एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और फिर इसमें क्या होता है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। अगला स्टेप जो है सेकेंड स्टेप, इसमें क्या होता है कि जैसे ऊर्जा युक्त क्लोरोफिल तो है ही है, ऊर्जान्वित क्लोरोफिल है, ऊर्जान्वित क्लोरोफिल जो होगा इसके द्वारा प्रकाश अपघटन होगा, उसमें जल जो होगा जल का प्रकाश अपघटन होगा, और जल जो होता है वो H+ तथा OH आयनों में टूट जाएगा। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जल का प्रकाश अपघटन होता है, जिसमें जल जो होता है वो H+ और OH- आयनों में टूट जाता है। फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसमें क्या होगा कि जो है OH- आयन जो होते हैं OH- आयन ये आपस में कंडेंस होकर के या संघनित होकर के जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में जैसे हम क्या करेंगे, प्रकाश अपघटन में उत्पन्न H+ आयन जो होंगे, जल के प्रकाश अपघटन में उत्पन्न H+ आयन ये NADP को NADPH2 में रिड्यूस कर देते हैं या उसे अपचयित कर देते हैं। फिर इसमें ADP से ATP का निर्माण होता है। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज, के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जुड़ेगा और इसका क्या बन जाएगा आगे ATP। ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन के एक अणु के साथ फॉस्फेट के दो अणु, डाई मतलब दो, फॉस्फेट के दो अणु, और यहां पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जुड़ेगा तो यहां क्या बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का निर्माण होता है। और ADP से ATP के निर्माण की क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसमें ये आता है कि जो है NADP, NADP कौन सी वाला है, तो NADP जो है NADP का मतलब क्या होता है, NADP का फुल फॉर्म, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, NADP का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होगा, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP। ठीक है, तो ये NADP का फुल फॉर्म होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कुछ ऐसे कारक जो या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देते हैं या क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। एक तो होता है सूर्य का प्रकाश, क्या होगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो होगा ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बाकी विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय प्रकाश जो होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। दूसरी बात होती है कि प्रकाश होता है, अगर लाल रंग का प्रकाश है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि नीले रंग का प्रकाश है इसमें प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन जो होती है उसकी दर जो होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। अगला जो इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में, एक तो होता है तापमान, तापमान जो होता है टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर है तो ये इसके लिए सुटेबल होता है। अगर 46 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे अगर बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो ठीक है, कम है तो सही है, उसके लिए सुटेबल होता है। या 10 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो सकती है और उसकी प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो अधिक होती है।
बाकी अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर प्रकाश हो जाता है, जैसे तापमान हो गया, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो घट जाती है, जो है डिक्रीज हो जाती है। अगला होता है जल, वाटर। तो वाटर जो होता है ये भी ये भूमि की सतह से जो है भूमि से एब्जॉर्ब किया जाता है, पृथ्वी से, या हम कह लेंगे जड़ें जो होती हैं पौधों की वो भूमि से भूमिगत जल को अवशोषित करती हैं, और अगर इसकी मात्रा कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है घट जाती है, अगर इसकी मात्रा जो है मिलती रहती है बराबर, पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सामान्य बनी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई अगला नया टॉपिक।